भारत को चारों ओर से घेरने के लिए चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां उसने दक्षिण में यानी हिंद महासागर में श्रीलंका के पास डेरा जमा लिया है, वो भी भारत से केवल 290 किलोमीटर दूर, तो दूसरी ओर लद्दाख में अपनी सबसे खतरनाक तोपों को तैनात कर चुका है, वो भी तब जबकि वो भारत से शांति शांति का राग भी अलाप रहा है। और अब इस मामले में जो खबर सामने आ रही है उसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चीन न केवल लद्दाख में भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहा है बल्कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को भी हथियारों के साथ ही अपने फाइटर जेट्स का जखीरा देने वाला है। इस चौंकाने वाली वीडियो में आप देखने वाले हैं कि LAC पर क्या है चीन का प्रोजेक्ट 2022, चीन ने कैसे अपने खतरनाक एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, राफेल से डरा चीन अब J-20 को मैदान में उतार रहा है, पाकिस्तानी मोर्चा खोलने का खेल रहा है तगड़ा दांव। दोस्तों, चीन भारत के साथ भले ही LAC पर बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन उसी के साथ चीन अपनी तैयारियों को भी तेजी से बढ़ा रहा है। भारत को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने प्रोजेक्ट 2022 पर काम कर रहा है, जिसमें न सिर्फ वो 2022 तक अपने नए ALG एयर स्ट्रिप और दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर एयरबेस बना रहा है, बल्कि अपने सारे पुराने एयरक्राफ्ट को बदलने में लगा है, क्योंकि भारत का राफेल जेट आने के बाद से चीन की यहाँ नींद उड़ी हुई है, लिहाजा अब उसने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट J-20 को भी मोर्चे पर तैनात करने की योजना बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एयरफोर्स LAC के पास अपने सभी बेस पर अपने पुराने J-7 एयरक्राफ्ट को बदलने में लगी है, और वो भी बुलेट रफ्तार से। ये एयरक्राफ्ट चीन के सबसे पुराने एयरक्राफ्ट में से हैं, जिसे चीन ने रूस से लिया था। खास बात यह है कि चीन इन सभी को अपने सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट J-16 और J-20 से रिप्लेस करेगा, जो कि उसके चौथे और पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। इस समय चीन की सेना करीब 350 J-7 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अपने पश्चिमी कमांड पर चीन नए और बेहतर एयरक्राफ्ट तैनात करने पर काम कर रही है। इसके लिए चीन ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि चीन ये सारे पुराने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने जा रहा है, क्योंकि चीन की प्लानिंग यह है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ अपना मोर्चा खोल सके, चीन के ये फाइटर जेट POK के इलाके में बेस पर तैनात कर सकता है। इतना ही नहीं, जिस गलवान घाटी वाले इलाके में शांति प्रक्रिया चल रही है वहां भी चीन ने अपनी तोपें फिर से तैनात कर दी हैं। लद्दाख में पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन, बॉर्डर पर बनी है युद्ध से पहले वाली शांति। सरकार से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। LAC पर संघर्ष वाले इलाकों में अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि LAC पर चीन ने भारी भरकम सेना तैनात कर रखी है। सरकार ने कहा है कि LAC पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से डटी हुई हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ता हुई थी। ताजा बयान से स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया लगभग 4 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि अरिंदम बागची ने कहा है कि दोनों देशों में ये सहमति हुई है कि इस प्रक्रिया के पूरे होने तक जमीन पर स्थिरता बनाई रखी जाएगी और किसी भी नई घटना से बचा जाएगा। इसी साल 9 अप्रैल को दोनों देशों के आला सैन्य कमांडर्स के बीच सीमा विवाद को लेकर 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद इस साल फरवरी के मध्य में शुरू हुई डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया जा सकेगा, लेकिन चीनी पक्ष ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, कई जगहों पर चीन ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले साल मई में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे, तो इसके बाद 15 जून को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई।